और कम हजारों को एडमिशन क्यों मिलता है इट इज बिकॉज़ कि एग्जाम डे का परफॉर्मेंस सबका अलग होता है और काफी ज्यादा मैटर करता है डिफर करता है व्हाई बिकॉज़ कभी कोई नर्वस हो गया तो जो याद था वो भूल जाता है कभी कोई बीमार पड़ गया तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है कभी किसी ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो क्वेश्चंस मिस आउट कर जाते हैं और इस वजह से हमारी मेहनत जो है बेकार हो जाती है और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं राइट सो टिप्स जिसमें हम बहुत अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल सी यू टी एग्जाम से ही रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे आपको हर चीज से अवेयर करवाएंगे और सारे डूज एंड बताएंगे सो गेट्स इट रेडी लेट्स ना देखो Obviously यू guys नो कि CUET का एग्जाम क्या है और क्यों है बट स्टिल um, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ टू बेसिकली हेल्प यू ठीक है कैसे देखते हैं देखो पहली बात तो CUET क्या है इट is अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ठीक है तो वहां पे आपके हर टाइप के बच्चे होने वाले हैं ऐसा बच्चा भी होने वाला है जो आपको गिटार प्लेलिस्ट uh,

ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट लोग भी मिलेंगे ठीक है तो कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं गलत एग्जाम सेंटर में पहुंच गया क्या या तो मुझे बीटेक किए हुए लोग दिख रहे हैं ऐसा मत सोचना किसी भी रैंडम बंदे से कुछ भी पूछ कर डेविएट मत हो जाना ठीक है नाउ रिमेम्बर ऑल द डिफरेंट स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर

ऐसा तो कोई नहीं होता होगा जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको पैटर्न ही नहीं पता है बट ऐसे होते हैं तो हो सकता है आपने भी पढ़ाई के चक्कर में ध्यान ना दिया हो इसलिए आपके भले के लिए बता रही ठीक है ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ठीक है तो अगर आप ये सोच रहे थे कि एक ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें सर्कल सर्कल फिल करना है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है एक रफ वर्क के लिए पेपर मिलेगा उसमें रफ वर्क करना है और आंसर जो है वो आपको कंप्यूटर में ही टिक लगाना है चार बॉबल्स रहेंगे ए बी सी डी के जिसको सेलेक्ट करोगे वो आंसर मार्क हो गया ठीक है तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिया जाता है उसके भी वीडियोस वगैरह देख लो ताकि वहां जाके एकदम नया एनवायरमेंट देख के डर बना जाओ ठीक है दूसरा एग्जाम स्लॉट्स पता है ना दो शिफ्ट में होने वाले हैं थ्री आयर फिफ्टीन मिनट और थ्री आवर फोर्टी फाइव मिनट का टाइमिंग पता है कि नहीं टाइमिंग आपकी होने वाली है दो शिफ्ट अगेन नाइन ए एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन देन थ्री पी एम टू सिक्स फोर्टी फाइव अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है अब बोलोगे मैम एडमिट कार्ड में तो लिखा है बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो यहाँ पर आपका जो भी शिफ्ट है उस दौरान आपको घर पे सोना नहीं है ठीक है आप लास्ट के कुछ दिनों में हैबिट बना लो दैट यू डोंट हैव टू स्लीप बिटवीन 9 ए एम टू 12 एंड 3 पी एम टू सिक्स फोर्टी फाइव वॉट हैपन्स इज कि अगर आप ये आदत है ना इस दौरान सोने की तो एग्जाम डे पे भी आपको नींद आएगी सेम टाइम पे नींद आएगी ठीक है तो ज्यादा ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ड्यूरिंग दिस स्लॉट दीज डेज एज वेल ठीक है नेक्स्ट एग्जाम लैंग्वेज आपका जो भी आपने चूज किया है वो आने वाला होने वाला है आपका मोड ऑफ राइटिंग द पेपर इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश हिंदी दिया है तो हिंदी वट एवर यू हैव चूज इन कई सारे स्टेट लैंग्वेजेस भी इंक्लूड किए गए हैं दैट्स व्हाई आई कॉल दिस सी एग्जाम एज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एग्जाम डिजाइन तो अफकोर्स रिमेंबर कि आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था वही आपको मिलेगा इनकेस अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन एपर ही गलत मिला आप इन से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने मीडियम कुछ और चूज किया था आपको पेपर कुछ और दिया गया है ठीक है नेक्स्ट आपके एग्जाम डेट क्या है ट्वेंटी फर्स्ट से शुरू हो रहा है थर्टी फर्स्ट मई तक जाने वाला है अपना एडमिट कार्ड पे चेक कर लो कौन सा स्लॉट कौन सा दिन आपको अलॉट किया गया है ठीक है नाउ एग्जाम स्ट्रक्चर से भी थोड़ा अवेयर हो जाइए कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना कि उन्होंने सेक्शन नहीं देखा कि हैं इंग्लिश एक क्वेश्चन क्यों दिख रहे हैं मुझे फिर सेक्शन बी देखा कि अच्छा अब मैथ्स जैसा कुछ दिख रहा है फिर सेक्शन थ्री देखते हैं कि इससे भी मैथ्स जैसा ही दिख रहा है कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे हो सकता है लिखा हुआ ना हो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन वन जो होगा वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा टोटल फिफ्टी क्वेश्चन में आपको फोर्टी ही मतलब फोर्टी करेक्टली आंसर करने हैं और 45 मिनट्स ही मिलेगा आंसर करने के लिए सेक्शन टू में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा डोमेन स्पेसिफिक मतलब मैथ्स फिजिक्स अकाउंटेंसी बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट होंगे उसमें भी आपको 50 में से 40 करने हैं इन 45 मिनट्स सेक्शन थ्री में होने वाला है आपका जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है 75 फाइव क्वेश्चन में से 60 अटेम्प्ट करने हैं और 60 मिनट मिलेगा तो एक चीज तो क्लियर है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक ही मिनट लगाना है एक मिनट से ज्यादा लगाया तो कोई और क्वेश्चन आपका स्किप होने वाला है पक्का इसलिए एक मिनट से ज्यादा किसी में नहीं लगाने का क्योंकि वैसे ही कट ऑफ का मार्जिन बहुत कम है, है ना नेक्स्ट मार्किंग स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन के लिए प्लस फाइव मिलेगा पर अगर गलत हो गया तो माइनस वन भी मिलेगा तो जब तक आपको ऐसा ना लगे कि यार कट ऑफ तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आप तुक्का लगा ही लेता हूं तब तक तुक्का नहीं लगाना कितना ही आपको लगे कि 50 परसेंट सिक्सटी परसेंट श्योर हूं तुक्का नहीं लगाना सिक्सटी परसेंट पे भी तुक्का ही बोला जाता है उसको हम प्रॉपर आंसरिंग नहीं बोलेंगे ठीक है अब इसे प्रॉब्लम क्या होती है कि बेसिकली हमने काउंट कर लिया कि यार यहाँ से तो पांच मार्क्स मिल रहे हैं ठीक है मान लो वो क्वेश्चन गलत हुआ तो ये पांच मार्क्स तो जाते ही है इसके साथ में ने एक नेगेटिव मार्किंग भी जाता है तो एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग एक मार्क की नहीं होती है एक्चुअल में वो छ मार्क्स की होती है क्योंकि जो प्लस फाइव सोचा था वो माइनस सिक्स में चला गया है तो लॉस बहुत बड़ा होता है और फिर बाद में ऑफ कोर्स आपका पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है ठीक है तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें एट ऑल कॉस्ट नेक्स्ट फॉर बेसिकली अटेम्प्टिंग योर पेपर इन द मोस्ट सक्सेसफुल वे पॉसिबल टाइम मैनेजमेंट इज द की ठीक है वाई स्पेशली फॉर सी बहुत कम टाइम दिया है आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ एक मिनट है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैथ्स के क्वेश्चन तो आप जानते ही हो सॉल्व करने में ही कई बार हमें कितना टाइम लग जाता है बट उसके वजह से मतलब सीयू ने मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम तो दिया नहीं है करना तो वही है एक क्वेश्चन एक मिनट में ही करना है तो इसके लिए ना आपको टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत प्रॉपर रखना है अपनी एक प्लानिंग बहुत सॉलिड रखनी है कि मैं कैसे लेवल वाइज पेपर को अटेम्प्ट करने वाला अब लेवल वाइज का मतलब क्या होता है देखो है तो आपके ऊपर आपकी मर्जी है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो और टाइम में अपना पेपर कैसे कंप्लीट करते हो कंप्लीट करने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं ठीक है बट जनरली आई एडवाइज टू माई स्टूडेंट्स कि आप अपने पेपर को ए बी सी पैटर्न में अटेम्प्ट करो ठीक है ए पैटर्न क्वेश्चन होता है जो एक बार में देखा और चमक गया कि जो मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा सोचूंगा ना ये बन जाएगा तो उस पे लगा के आगे बढ़ जाओ कि दोबारा मुझे आना है अब देखो पेपर तो है नहीं तो क्रॉस तो लगा नहीं सकते हैं बट आपके कंप्यूटर में ना दिखाएगा आपको कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है ठीक है और फिर होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते जिसको हमें हाथ भी नहीं लगाना है अनलेस

स्ट्रॉन्ग एट अब ऐसा क्यों सब्जेक्टिव में तो हम बोलते हैं कि टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करो बट यहाँ तो कोई टीचर है नहीं एक कंप्यूटर जी हैं जो आपका आंसर चेक करने वाले हैं तो उनमें तो कोई इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है ना ए आई इतना स्ट्रांग नहीं है उसका बट हाँ इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है अगर आप अपने पेपर को बेसिकली स्टार्ट uh, अच्छे से करते हो अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को पहले शुरुआत करते हो और आपसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना तो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस आता है कि यार मतलब तो मैं कर लूंगा और अगर वही क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं एक के बाद एक तो फिर जो आता भी है ना वो भी हम छोड़ देते हैं अंडर कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस के चक्कर में राइट नेक्स्ट एज आई वो टेलिंग यू गाइड की पेपर को ना आपको तीन स्टेप्स में एक अटेम्प्ट करना है ठीक है स्टेप वन

थोड़ा सा सोचूंगा ध्यान लगाऊंगा दिमाग लगाऊंगा तो बाकी थर्टी परसेंट भी याद आ जाएगा और बन जाएगा फिर उन उन क्वेश्चंस को करिए फिर आते हैं टाइप सी क्वेश्चंस यानी हार्ड लेवल क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्या पूछ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है कहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपको लग रहा हो कि कट ऑफ बिल्कुल नहीं क्लियर होने वाला है एनी तो चलो तुक्का ही मार लेता हूं तभी आप हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ठीक है नेक्स्ट फॉलो ट्वेंटी ट्वेंटी रूल ये नहीं कि हर बीस मिनट के बाद आपको बीस सेकेंड दूर देखने अपनी आंखों को रिलैक्स करना है वे आंखों को रिलैक्स करने के लिए बाकी दी पूरी दिन पड़े हुए हैं आपके लिए एग्जाम डे में जरूरत नहीं है इतना रिलैक्स करने की 20 सेकंड रूल बेसिकली ये कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप 20 सेकंड में समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या सॉल्यूशन है क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा स्किप इट एट दैट टाइम मतलब उस वक्त के लिए उसको स्किप कर दो आई एम नॉट सेइंग दोबारा अटेम्प्ट ही मत करना या कोशिश ही मत करना लेकिन उस वक्त तो उसको स्किप कर दो मूव ऑन कर जाओ ठीक है ट्वेंटी सेकेंड से ज्यादा अगर आपको सोचने में ही लग रहा है तो सोल्व करने में फिर कितना टाइम लगेगा और हमें टोटल ही एक मिनट मिला है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो फिर डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है ठीक ठाक आता है तो फिर इसीलिए मूव ऑन कर जाइए वापस इस पे आ जाइएगा चाहो तो स्टार मार्क लगा लो कि यार थोड़ा सा सोचूंगा तो बन जाएगा स्टार मार्क लगा लेता हूँ स्टार मार्क या फिर बेसिकली आपके कंप्यूटर में आपको दिखता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है कौन सा नहीं किया है तो जो नहीं किया उस पे वापस चले जाना ठीक है नेक्स्ट इज लास्ट 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलाइज इट वेरी इॉपरली क्रॉस चेक सबसे पहले करिए कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो छूट गया है मतलब जिसको रीड ही नहीं किया आपने स्किप हो गया आपसे कभी डबल क्लिक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन और स्किप हो गया है आपसे क्या ऐसा कोई क्वेश्चन बचा है जो आपको लग रहा है कि ask, हो सकता है सॉल्व थोड़ा सा उसके ऊपर सोच सकता हूँ तो इसको भी ध्यान से दोबारा से पढ़ लीजिए ठीक है और कोशिश करिए कि वही आपका जो कट ऑफ है एटलीस्ट आप 40 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं ठीक है नेक्स्ट है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क सो उन्ही क्वेश्चन को फटाफट करिए जो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं सब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं कि ये दो मार्क्स का ये पांच मार्क्स का है तो पांच मार्क्स कर लिए वाला कर लिया तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे सारे क्वेश्चन एक बराबर है तो बस हमें कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें विदाउट नेगेटिव मार्किंग ठीक है तो फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे रखना है आपको जो आप अच्छे से एक बार में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अब सी यू दिन की अगर बात करें तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है सबसे पहले तो स्लीप अर्ली एंड ऑन टाइम लेट बिल्कुल नहीं होना है और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रात में प्रॉपर टाइम पे सो जाए है ना तो रात में आप कुछ भी हो जाए आपको 10 बजे 11 बजे सो जाना है उससे लेट नहीं जगना है चाहे रिवाइज करने के लो कितना ही सिलेबस क्यों ना बचाओ क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो रिवाइज करोगे नींद कम होगी पैनिक ज्यादा होगा नर्वसनेस ज्यादा होगा जो आता है वो भी नहीं बनेगा इसलिए ये बोर्ड एग्जाम नहीं है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे आपका दिमाग बहुत शार्प और एकदम छ्रिल होना है उस टाइम पे इसलिए नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है नेक्स्ट कैरी एनालॉग वॉच ओनली Do not carry digital watches, वो अलाउड नहीं करेंगे Have a balanced breakfast and dinner also। रात का खाना और सुबह का नाश्ता बिल्कुल simple करना है घर का पका हुआ बिल्कुल simple खाना तेल मसाला बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जिससे stomach upset हो या फिर acidity हो या फिर uh, वॉट नॉट ओके सो बेसिकली आपका स्टमक uh, अपसेट नहीं होना चाहिए कुछ भी करके और आपका माइंड जो है वो अच्छे से वर्क करना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लोगे रात में या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लोगे ना तो आपका माइंड भी स्लो हो जाता है पता है डायरेक्ट इफेक्ट होता है ठीक है नेक्स्ट मेक अ चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स फॉर द डी डे वन डे बिफोर इट कौन कौन से कलर के पेन रखने हैं अलाउड कौन कौन सा पेंसिल है कौन सा इरेजर है व्हाइटनर ऑफकोर्स नहीं होता है और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पेपर का तो है नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है है ना? और के लिए पेंसिल अलाउड है या पेन अलाउड है आपका एडमिट कार्ड उसकी दो फोटो कॉपी आपने रखी है कि नहीं रखी है और एडमिट कार्ड के साथ क्या उन्होंने आधार कार्ड या फिर कोई और आ, पहचान पत्र बेसिकली रखने के लिए कहा है क्या अच्छे से पढ़ लीजिए और सब पैक कर लीजिए एक दिन पहले ठीक है ना वीअर कंफर्टेबल क्लोथ गर्मी का मौसम है कॉटन सिंपल क्लोथ आपको पहन के जाने हैं जो अलाउड है ठीक है ऐसा बहुत ज्यादा पॉकेट्स वाला मत पहनिएगा वरना शक किया जाएगा फालतू का अगर पॉकेट्स हैं, तो बहुत अच्छे से चेक कर लेना कि पुराना कोई राशन कार्ड का बिल या फिर किसी मॉल का कोई बिल तो नहीं पड़ा हुआ है कोई भी पेपर कोई चिट नहीं होना चाहिए अननेसेसरी आपके ऊपर शक नहीं जाना चाहिए कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं इन आजकल आप देख ही रहे हो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या नहीं होता है ठीक है तो वी आर कंफर्टेबल क्लोथ कुछ लिखा हुआ बिल्कुल ना हो ठीक है एग्जाम डे डूज एंड डोंट्स ठीक है अब एग्जाम के दिन आपको क्या क्या करना है सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड आपको सौ बार याद करके रख लेना है उसकी जेरोक्स उसके दो जेरोक्स आपको जरूर रखने हैं कि आपके पास मान लो एडमिट कार्ड इन केस गुम जाता है तो एक आपके पापा के पास रखा हुआ होना चाहिए कि मान लो एक में पानी गिर गया कुछ हो गया तो एक पापा मम्मी के पास भी जो भी आपके साथ जा रहे हैं उनके पास भी एक रखा हुआ है वो इमिडिएटली आपको लाके दे सकते हैं ठीक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जरूर ले जाइएगा आपका जो भी फोटो आईडी कार्ड है जैसे आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड आपका स्कूल एडमिट कार्ड ये वाली आईडी कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए एंड जेरोक्स के साथ ठीक है इफ अगर आपको एग्जाम चेकर जो है वो कह रहा है अंदर ले जाना अलाउड नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी मम्मी पापा आपके बाहर वेट कर रहे हैं या आपको सेंटर पे छोड़ने गए हैं हम उन्हें पकड़ा के रख दो कि आप अपने पास रखे रहो इनके जरूरत पड़ी तो आपसे मंगवा लूंगा है ना अगेन वी आर कंफर्टेबल क्लोथ ऑन दैट डे कैरी वाटर बॉटल क्योंकि गर्मी का मौसम है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले ऐसी गुलाबों जैसी वाटर बॉटल लेके ना जाए अलाउ नहीं करेंगे हो सकता है क्योंकि उन्हें शक होता है कि इसके अंदर भी तो चिट डाल के नहीं रखा है तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही ले जाए प्लास्टिक की बिस्लेरी की किसी की भी ले लो और अगेन उसका जो रैपर होता है ना वो हटा देना ठीक है एंड पानी थोड़ा थोड़ा पीना ज्यादा भी नहीं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़े अगर अलाउ नहीं किया तो मुसीबत में फंस जाओगे है ना तो ज़्यादा पानी नहीं पीना है एक रात पहले खूब पानी पियो खूब हाइड्रेटेड रहो लेकिन सुबह से थोड़ा कम पानी पीना स्पेशली एग्जाम सेंटर के लिए जब निकलो तो इतना ही पीना कि लूह ना लगे मतलब बाहर जो गर्म हवा चल रही है ना वो आपको नुकसान ना करे कोशिश करिएगा कि आप किसी कवर्ड फोर व्हीलर व्हीकल में ही जाएँ या फिर बस से या किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट से जाएं जिससे आपको गर्मी ना लग जाए ठीक है देन हैव अ प्रॉपर ब्रेकफस्ट बिकॉज भूख लगती रहेगी तो भी ध्यान नहीं लगेगा आपका एग्जाम देने में अननेसेरी कुछ भी आ, तेल मसाला या ऐसा कुछ खा लिया तो भी आपको बेसिकली प्रॉब्लम होगी कंसंट्रेशन करने में या फिर हार्ट बर्न होता रहेगा या फिर अनइजिनेस फील होती रहेगी तो ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत प्रॉपर लीजिएगा बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है कि मतलब उससे भी अनकम्फर्टेबल हो जाए ठीक है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीच एग्जाम सेंटर बिफोर टाइम ऑन टाइम भी नहीं बोल रही हूँ मैं बिफोर टाइम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है मान लो कभी रोड ही खराब हो गई कभी व्हीकल से जा रहे हो व्हीकल खराब हो गई कभी मान लो कि ट्रैफिक बहुत खतरनाक मिल गया तो आपके पास एक्स्ट्रा हाफ एन आवर एक्स्ट्रा वन आवर होना चाहिए क्योंकि देखो एक दिन एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंचने का नुकसान इतना बड़ा नहीं है है ना फायदा ज़्यादा बड़ा है ठीक है फायदा ये है कि बार बार नहीं आने वाला और इतनी मेहनत आप बार बार नहीं करने वाले हो तो अभी कर लो क्योंकि मतलब ठीक है आपका आधा एक घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है वहां आपको वेट करना पड़ रहा है या जो भी है बट एटलीस्ट मिस नहीं होगा आपका एग्जाम अलाउ नहीं करेंगे अगर एग्जाम स्टार्ट हो गया तो डू नॉट बी लेट एट ऑल एक तो आप नर्वस हो जाओगे पैनिक करने लगोगे और फालतू का आपका जो मूड है वो भी अपसेट हो जाएगा ठीक है ना दोंट वी हैदर्स आर डूइंग मैंने पहले भी आपको बताया कि आस पास के लोगों को देख के कुछ भी रैंडम मत सोचने लग जा रहा मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि अरे तू ये वाला पेन लाया क्या ऐसा पेन लाना था आप बोलोगे अरे मुझे तो पता ही नहीं था जो आपको पता है जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा है वो ही सही है कोई और क्या बोल रहा है कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है कोई बीएससी कर रहा है कोई एमएससी कर रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए या वो क्या बता रहे हैं कि पेपर ईजी आने वाला है टफ आने वाला है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपने जितनी प्रिपरेशन की है आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे इस बात की श्योरिटी रखिए ठीक है आस्किंग फॉर एन आंसर बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है चीटिंग वीटिंग वैसे भी किसी एग्जाम में नहीं करनी चाहिए स्पेशली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर में ना कैमरा लगा होता है और जो भी कंप्यूटर का आपका रूम होगा उसमें भी कैमरा लगा होता है तो यहाँ तो हंड्रेड परसेंट पकड़े जाओगे इन्विजिलेटर देखे या ना देखे ठीक है सिपिंग टू मच वाटर बिल्कुल नहीं करना है बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और इन हो सकता है पूरे एग्जाम में ही आपको अलाउ ना करे कोई गारंटी नहीं है भाई हो सकता है एक बार अलाउ करे दोबारा अलाउ ना करे तो डू नॉट टेक टू मच ऑफ वाटर ठीक है डू नॉट हेड टू एनी र्यूमर्स बिफोर एग्जाम और ड्यूरिंग एग्जाम एज वेल कि अरे पेपर तो लीक हो गया है तो हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए अरे क्वेश्चन तो रॉन्ग आया है हो सकता है ग्रेस मार्क्स मिल जाए फालतू की बातें हैं ये सब आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है आपने जितना सॉल्व किया है आपको जो सही लग रहा है उतना ही करिए ग्रेस मार्क्स पेपर लीक फलाना ढिकाना इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है जो होना है वो तो वैसे भी होगा ग्रेस मार्क्स मिलना है वो तो वैसे भी मिलेगा उस चक्कर में पेपर छोड़ के नहीं आना ठीक है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी ऑफ ऑल काइंड उस दिन ना मम्मी पापा दीदी भैया फ्रेंड्स सबको बोल दो कि मुझे बस मेंटल पीस में रहने दो तो किसी टाइप का नेगेटिविटी नहीं चाहिए कि अरे तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा या फिर फ्रेंड्स आपको ज़बरदस्ती तो कह रहे हैं अरे तूने इतने चैप्टर नहीं पढ़े बस इतने ही पढ़ के गया है डोंट लिसन टू एनीथिंग एट ऑल सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एवरी थिंग विदाउट देम यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट ऑल ट्रस्ट मी ठीक है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आपको दस मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएगा और अंडर कॉन्फिडेंस आपके बीस मार्क्स एक्स्ट्रा गवाएगा ठीक है तो नर्वसनेस से ना आता हुआ क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट हमसे गलत होता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जेई के एग्जाम में इसलिए बोल रही हूँ नर्वस बिल्कुल नहीं होना अपने ऊपर खूब कॉन्फिडेंस रखो ठीक है एंड नॉट करो कि है, नहीं बन रहा है, तो मारूंगा मैं, है? हो जाओ कि कोई बात नहीं तो कई मार के आ जाऊंगा इतना तो करी सकता हूँ या फिर कोई बात नहीं देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ थर्टी थर्टी फाइव क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे ठीक है नहीं हो रहे तो चलो फिर गैस करते हैं प्रॉपर एक गैसिंग गेम लगाते हैं कोशिश करते हैं एलिमिनेट करने की ऑप्शन को उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सूटेबल लग रहा है वहां गैस कर लेंगे ठीक है तो कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेना है पैनिक नहीं करना है और एग्जाम डे के दिन नर्वस बिल्कुल नहीं होना है अपना बेस्ट देना है हमें राइट सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सी यू टी एग्जाम आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम एंड ऑफकोर्स दिस इज नॉट द लास्ट पेपर दिस इज नॉट द एंड तो जो होगा देखा जाएगा सब अच्छा ही होगा ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर द डे आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय